बनाना चिप्स में उसको दे दी थी, तो नहीं मुंह में ले ली और उसका गला में शायद अटक गया ऐसे, मतलब वो होने लगी, मैं तो पूरा रोने लगी जोर से, पता नहीं वो पूरा अजब से होने लगी ना, शायद वो अंदर नहीं जा रहा है कि अंदर में कहाँ पे अटक गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज जैसे दसवीं है तो दुर्गा पूजा एक साल वेट करने का बाद आता है फिर खत्म हो जाता है तो बहुत दुख लगता है ना, तो आज दसवीं है, लास्ट दुर्गा पूजा है। तो आज लास्ट गए थे, दो पंडाल देख के आए, तीन तीन दिन से हम लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि अदिति कब खाती थी कब सोती थी कुछ उसका मतलब टाइम का कुछ ये नहीं था, तो इसलिए आज वो सो के उठी फिर वो खाई, उसके लिए होममेड सैलेड बनाए, खा के फिर हम लोग निकले 6 बजे, तो 7:30 बजे तक आ गए दो ही पंडाल देख के, और बहुत ही अच्छा था। तो दो पंडाल जो था वो बहुत ही अच्छा था, और अदिति यहीं पे बैठी है ये है अदिति, क्या हुआ? हाय हाय बोलो, हाय हाय, ए ए ए ए ए ए ए। तो चलिए लेके जाती हूँ पूजा पंडाल, दिखाती हूँ आप लोगों को भी जो मैं वीडियो बना के लाई हूँ। तो ये वाला एक पंडाल था जो हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल थीम कुछ बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको देखने से मतलब बहुत टाइम लगेगा, अगर आप एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, हिस्टोरिकल थीम है ना, बहुत कुछ रहता है उसमें, तो हम लोग तो इतना टाइम वहाँ पे नहीं दे पाए क्योंकि दूसरा भी कहीं जाना था, बस यही थोड़ा सा देख के आ गए। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसमें भी बहुत इमेजेस वगैरह है, अगर जूम करते हैं तभी पता चलेगा। या मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम की थी, जैसे विक्टोरिया वगैरह का ये बना हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, बहुत कुछ थीम बना हुआ है। तो देख अगर हम लोग अच्छा से देखते तो बहुत टाइम लगता, बट इतना नहीं देखें तो थोड़ा बहुत देख के आए। यहाँ पे जो दुर्गा मूर्ति बना है ना, वो भी बहुत यूनिक है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए, हाँ रुके आएगा, हाँ ये वाला जो है, ये वाला जो दुर्गा मूर्ति मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ देख के फिर निकल गए दूसरा एक पंडाल देखने के लिए, थोड़ा सा चलना भी पड़ा। ये वाला जो पंडाल है ये मतलब रसगुल्ला पंडाल बना है, जैसे ये मटका होता है ना, मटका में रसगुल्ला रहता है, ये उसको बोलते हैं रसगुल्ला पंडाल। तो ये मतलब छोटा सा बना है बट अच्छा यूनिक बना है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा। ये भी दुर्गा माँ का मूर्ति जो है ये भी अच्छा ही था, तो बाहर में और साइड में जो थीम बना हुआ है वो रसगुल्ला है, मटका में रसगुल्ला, और ये दुर्गा मूर्ति है, ये भी बहुत अच्छा। कोलकाता में क्या होता है ना, यही अच्छा मूर्ति का ही अच्छा बहुत थीम बनता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कोलकाता का दुर्गा पूजा। और ये हम लोग 1 घंटा के अंदर में दो ही देख के आ गए। फिर हम लोग आते आते 7:30 हो गया था, पता नहीं अभी अदिति क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, उसको सोच रहे हैं सेरेलेक दे देंगे, उस टाइम तो होममेड सेरेलेक खा के गई थी वी थप्पल और डेट्स, अभी सोच रहे हैं वैसे जो रेडीमेड सेरेलेक आता है उसको 1-2 चम्मच दे देंगे, पता नहीं वो खाएगी कि नहीं खाएगी, सोएगी सोएगी, तो रो रही थी फिर नहीं सोई, थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग करवा के फिर अभी खेल रही है। तो मुझे लगा चलो अदिति खेल रही है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ। तो और अदिति जोर से चिल्लाती है, पता नहीं चुप चुप, ये तो अदिति है, ये तो अदिति है, ये कौन है, ये अदिति है, तेरे 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 तो आजकल बहुत आज क्या हुआ, हाँ वो मेन बात तो नहीं बोली है, और मेरा साथ ऐसा हुआ तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ये गलती मत करिएगा।
आज क्या हुआ ना, अदिति को मैं खाने का टाइम वो दे दी थी, बनाना चिप्स होता है ना, वो तो कुछ मुंह में लेती है तभी खाती है, तो बनाना चिप्स में उसको दे दी थी। तो वो थोड़ा हार्ड होता है ना, वो पता नहीं मुंह में ले ली और उसका गला में शायद अटक गया ऐसे, मतलब वो होने लगी, मैं तो पूरा रोने लगी जोर से, पता नहीं वो पूरा अजब से होने लगी ना, शायद वो अंदर नहीं जा रहा है कि अंदर में कहाँ पे अटक गया था। तो मैं तो डर के डॉक्टर को भी कॉल की, तो डॉक्टर बोले कि पानी देने के लिए, फिर उसका पापा थे तो मतलब फिंगर अंदर लेके देखे कि शायद गला में होगा तो निकाल लेंगे, थोड़ा सा निकला, ज्यादा नहीं निकला, और थोड़ा सा वो शायद खा ली थी। तो फिर धीरे धीरे ठीक हुई, फिर उसको बैक साइड में थोड़ा ऐसे ऐसे जोर जोर करके मारने लगे कि जैसे अगर कहाँ पे अटका होगा तो शायद बाहर आ जाएगा, नहीं तो अंदर चला जाएगा। तो फिर 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल हुई, फिर उसको पानी दिए, थोड़ा सा उसके बाद ठीक हुई। और मेरा ही गलती था कि उसको बनाना चिप्स नहीं देना था, तेरे ही बात कर रहे हैं। चल, तो एक्चुअली वो मेरा ही गलती था कि उसको बनाना चिप्स नहीं देना था। तो उसका पापा मुझे बहुत डांटे कि पता नहीं चलता है तो वो कुछ भी दे देती है, वो एक्चुअली मुंह में नहीं लेती है तो नहीं खाती है ना, मुझे लगा चला नया चीज है वो लेके खा लेगी। तो मेरा दिमाग में इतना नहीं था कि वो चिप्स जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, उसका गला में अटक जाएगा, वो मेरा बिंदी लेगी। रुक, अरे अरे तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं पता नहीं पटाटो चिप्स भी उसको नहीं देती थी क्योंकि उसका गला में अटक जाएगा सोच के, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया, मैं दे दिया और ये सब हो गया। मैं तो इतना डर गई थी, पूरा जोर से रोने लगी, फिर डॉक्टर को कॉल की। तो आप लोग भी ये सब हार्ड चीज थोड़ा मत दीजिएगा, तब से तो मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, आज तो उसको ऐसा ही खिलाई हूँ खिलौना दे के और कुछ भी नहीं दी खाने के लिए, जैसे वो मुंह में लेने से खा लेती थी, तो इसलिए मैं कुछ सोचती थी कि चलो कुछ दूंगी वो मुंह में लेगी फिर मैं उसको खिला दूंगी, बट पता नहीं आज ऐसा हो गया। अगर यही टाइम में अगर घर पे कोई नहीं रहता है ना, पूरा स्ट्रेस हो जाता। मैं तो पता नहीं अगर आज मतलब हॉलीडे नहीं होता, उसका पापा नहीं होता, तो घर पे तो ऐसा कोई है नहीं, हम दोनों ही रहते हैं, और छुट्टी था तो इसलिए उसका पापा है और उसका मामा आए हैं, उसका मेरा भाई जो है वो आया है, नहीं तो फिर दोनों ही होते तो क्या करती। वही मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया, 1 घंटा 2 घंटा तक मेरा दिमाग से वो नहीं जा रहा था, मतलब अगर कोई नहीं होता मैं अकेले होती तो क्या करती। आ गई तू तो गई तो मैं तो हमेशा मतलब किसी के पास भी छोड़ती हूँ ना, मेरा ध्यान वहीं पर रहता है, क्या खा लेगी क्या मुंह में दे लेगी दे देगी, तो पता नहीं आज कैसे ऐसे हो गया गलती मेरे से। तो ये सब चीज भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में, बाय बाय।